इंदौर नाम जब आप सुनते हैं तो आपके जहन में क्या आता है? स्वच्छता आना भी चाहिए, क्योंकि इंदौर देश के सबसे स्वच्छ शहर में एक है। लेकिन आज जो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, उस तस्वीर को देखकर शायद आपको यकीन ना हो, आपका तलस्म टूट जाए। सामने दिख रही ये तस्वीर इंदौर की है, जहां सड़कों पर गड्ढे दिख रहे हैं। गड्ढों में पानी है और पानी के अंदर छिपे गड्ढों में मौत है। यकीन नहीं है तो सुनिए, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? दरअसल एक 5 साल की बच्ची खेल रही थी, खेलते खेलते इस गड्ढे में गिर गई। गड्ढे में पानी भरा था जिसमें डूबकर उसकी मौत हो गई। दरअसल नर्मदा पाइपलाइन बिछाने का काम चल रहा था। ठेकेदार और काम करने वाले इतने लापरवाह थे कि सड़क पर गड्ढे खुले छोड़कर चले गए। उन्हें ये भी नहीं पता था कि गड्ढा नहीं बल्कि मौत है। अब बच्ची की मौत के बाद महापौर ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या महापौर पहले ठेकेदार और काम करने वालों को निर्देश नहीं दे सकते थे कि गड्ढे को समय से भर दिया जाए? क्या निगम प्रशासन को इस गड्ढे के बारे में पता नहीं था? और अगर पता नहीं था तो फिर क्या मान लिया जाए कि निगम हो या अन्य प्रशासन, सभी आंख मूंद कर काम कर रहे हैं। इस बच्ची की मौत कई सवाल को खड़े करती है और पूछती है कि इस मौत का गुनहगार कौन है। मध्य प्रदेश में दबंगों की तूती किस कदर बोलती है, इस तस्वीर को देखकर आप समझ सकते हैं। तस्वीरें श्योपुर से सामने आई, जहां सीताराम मंदिर की जमीन पर कब्जा करने को लेकर दबंगों ने अपनी दबंगई दिखाई। जमीन कब्जा करने को लेकर इन बदमाशों ने एक महिला और उसकी बेटी के साथ मारपीट की। तस्वीरें देखिए, दबंग पहले महिला को धक्का देते हैं और फिर लात घूसों की बारिश कर देते हैं। इतना ही नहीं, दबंगों ने महिला के कपड़े तक फाड़ दिए। वहीं बीच बचाव करने पहुंचे सरपंच पर दबंगों ने कुल्हाड़ी से वार कर दिया। ये पूरा मामला विजयपुर थाना क्षेत्र के गांव के पास खेतों का है। मारपीट कर रहा आरोपी बदमाश विजयपुर के शराब ठेकेदार का भाई बताया जा रहा है। अब देखना यह है कि इस खबर के बाद पुलिस इस पर एक्शन कब तक लेती है। कहते हैं जल है तो जीवन है, जब जल ही नहीं होगा तो जीवन की कल्पना कैसे कर सकते हैं। और इस जल के लिए भोपाल के दानिश नगर में महिलाओं ने शासन प्रशासन के खिलाफ हल्ला बोला है। दानिश नगर में पानी की समस्या है और पानी के लिए महिलाओं को रोज परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब इन परेशानियों से परेशान होकर महिलाओं ने आवाज उठाई है और घर के दरवाजे के बाहर खड़े होकर खाली बाल्टी, भगोना, लोटा, मटका बजाते नजर आई। तस्वीरों में देख सकते हैं महिलाएं पानी के लिए अनोखा प्रदर्शन कर रही हैं, साथ ही नारे भी लगा रही हैं कि वोट फॉर नर्मदा। महिलाएं कह रही हैं, सुन लो पुकार, नर्मदा जल दे दो सरकार। महिलाओं ने प्रदर्शन कर अपनी बात शासन प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश की। एक तो बाघ की दहशत और उस पर से तेंदुए का अटैक, ये डबल अटैक हुआ है इंदौर के महू में, जहां एक तेंदुआ लगातार पालतू जानवरों पर अटैक कर रहा है। पिछले दिनों 6 से ज्यादा बकरियों का शिकार किया गया है, वहीं ग्रामीण इलाकों में तेंदुआ घूमता नजर आया। तेंदुए की दहशत से लोग घरों से निकलना बंद कर चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ टाइगर के मूवमेंट की वजह से स्कूलों तक का समय बदल दिया गया है। सुबह की शिफ्ट के स्कूल नहीं लग पा रहे हैं, सिर्फ 10:30 बजे से शाम 4 बजे तक ही स्कूल लगाने के निर्देश दिए गए हैं। वन विभाग की तरफ से ड्रोन की मदद से बाघ और तेंदुए पर नजर रखी जा रही है। अब बात उस ट्रेन की जिसका इंतजार मध्य प्रदेश के वासियों को है। हम बात कर रहे हैं उस ट्रेन की जो आते ही आपकी जिंदगी में रफ्तार भर देगी। वो ट्रेन है वंदे भारत एक्सप्रेस। बता दें कि रेलवे ने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की फाइनल शेड्यूल जारी कर दिया है। मध्य प्रदेश में 2 वंदे भारत ट्रेन चलेंगी। एक ट्रेन भोपाल से इंदौर जाएगी तो वहीं दूसरी ट्रेन रानी कमलापति से जबलपुर जाएगी। भोपाल से इंदौर जाने वाली वंदे भारत हफ्ते में 6 दिन चलेगी। ट्रेन भोपाल से इंदौर तक के सफर को सिर्फ 3 घंटे में तय करेगी। इस ट्रेन का स्टॉपेज सिर्फ उज्जैन में होगा, यानी भोपाल से इंदौर के बीच सिर्फ एक स्टॉपेज रखा गया है। तो वहीं रानी कमलापति से जबलपुर जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन हफ्ते में 6 दिन चलेगी। रानी कमलापति से चलने वाली ट्रेन हफ्ते के मंगलवार को नहीं चलेगी। इस ट्रेन का स्टॉपेज रानी कमलापति से चलकर नर्मदापुरम, पिपरिया, इटारसी और नरसिंहपुर रुकते हुए जबलपुर पहुंचेगी।
आंखें जितनी दूर तक जाएंगी कलश यात्रा का नजारा दिखेगा और दिखेगा बाबा बागेश्वर यानी धीरेंद्र शास्त्री की कथा के लिए लोगों में कितना उमंग है। राजगढ़ के खिलचीपुर स्टेडियम ग्राउंड में 26 जून से पंडित धीरेंद्र शास्त्री की कथा शुरू होने वाली है। कथा को लेकर कलश यात्रा निकाली गई, जहां 100-200 नहीं बल्कि हजारों की संख्या में महिलाएं कलश यात्रा में शामिल हुई। ये कलश यात्रा कथा से पहले शुभारंभ के लिए की जा रही है। कथा शाम 4 बजे से शुरू होगी। वहीं 27 जून को पंडित धीरेंद्र शास्त्री दिव्य दरबार भी लगाएंगे। कथा के लिए भव्य वाटरप्रूफ डोम लगाया गया है, जिसमें एक साथ 2 लाख भक्त बैठ सकेंगे। कथा में लाखों लोगों के आने की संभावना है। 27 जून ये वो दिन होगा जब शहडोल की धरती पर प्रधानमंत्री अपना कदम रखेंगे, यानी कि 27 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहडोल के पकरिया आएंगे। यहाँ वो जनजातीय समुदाय के साथ भोजन करेंगे, जिसके लिए खास तैयारियां की जा रही हैं। पीएम मोदी के चौपाल ग्रामीण परिवेश में दिखे, इसके लिए प्राचीन भारत से जुड़ी संस्कृति का ध्यान रखा जा रहा है। पीएम के लिए भोजन पकाने से लेकर परोसने तक सिर्फ उन्हीं वस्तुओं का उपयोग किया जा रहा है जो प्राचीन भारतीय सभ्यता का कभी मुख्य हिस्सा हुआ करती थी। पीएम मोदी के लिए कांसे की थाली और महुआ के पत्तल में खाना परोसा जाएगा। पीएम चंदिया की मशहूर सुराही का पानी पिएंगे। शहडोल प्रशासन इसके लिए पूरी तरह से तैयारियों में जुटा है। वो सिर्फ पीएमओ के निर्देशों का इंतजार कर रहा है। बता दें कि पीएम के लिए जो भोजन तैयार किया जा रहा है, उसमें विशेष तौर पर मिट्टी के बर्तनों को इस्तेमाल किया जाएगा। चंदिया की मिट्टी से बने बर्तनों में कोदो भात बनाया जाएगा, उसी में कुटकी खीर तैयार होगी। वो नवजात बच्ची, उसे क्या पता वो दुनिया में आ तो गई लेकिन उसे अपने साथ रखने के लिए कोई तैयार नहीं। कभी इस गोद तो कभी उस गोद, कोई उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। दरअसल ये विवाद सरकारी और निजी अस्पताल में इलाज का है। खंडवा जिले के मलगांव के पास स्थित इंधारिया के पवन चौहान पत्नी राधा को डिलीवरी के लिए खंडवा जिला अस्पताल लाया। यहां उसे भर्ती कराया गया और फिर ऑपरेशन से इनके यहां एक बिटिया ने जन्म लिया। राधा का कहना है कि डिलीवरी के पहले मैं अपनी मां के घर खरगोन जिले के हीरापुर गई थी और पास के ही सनावद के सरकारी अस्पताल में डिलीवरी हो सकती थी। पति और ससुराल वालों ने खंडवा बुलाया तो लगा कि निजी अस्पताल में उपचार कराएंगे, लेकिन यहां सरकारी अस्पताल में लाए। मेरा पेट चीर कर उसमें ढेर सारे टांके लगा दिए गए। बेटी भी मेडिकल प्रॉब्लम्स में है। हम बेटी को साथ ले गए और कुछ हो गया तो आरोप हम पर लगाया जाएगा। वहीं पवन ने कहा कि लेबर पेन की वजह से पत्नी को सीधा जिला अस्पताल ले गए। हमने निजी अस्पताल में भी उसे ले जाने की तैयारी की थी लेकिन समय ही नहीं मिला। इन्हीं बातों को लेकर पवन और राधा समेत उसके परिजन बच्ची को अपनाने की जिम्मेदारी एक दूसरे पर थोपते रहे। अब ऐसे में सवाल ये कि जो माँ बाप आज एक बच्ची की जिम्मेदारी नहीं ले पा रहे, वो अच्छा भविष्य कैसे देंगे? क्या उनके माँ बाप और परिजनों का दायित्व नहीं बनता कि वो नवजात को बेहतर इलाज दें और उसे अपने साथ रखें? ये कार्टन्स में रखी महंगी शराबें और उस पर चलता बुलडोजर, तस्वीरें मध्य प्रदेश के सिवनी से आई, जहां आबकारी विभाग ने करीब 61 लाख रुपए की कीमत की शराब पर बुलडोजर चलाकर उसे नष्ट कर दिया। ये कार्रवाई आबकारी आयुक्त के आदेश के पालन में पूरी की गई। दरअसल सिवनी में अवैध रूप से शराब को स्टोर करके रखा गया था। आबकारी विभाग को इसकी जानकारी मिली तो कार्रवाई की और विभाग ने एक्शन लेते हुए सिवनी से विदेशी मदिरा भंडार गृह में स्प्रिंट की 2170 पेटियों और बियर की 4042 पेटियों को कुल मिलाकर 6212 पेटियों पर बुलडोजर चलाकर इसे नष्ट किया। शराब की कीमत करीब 61 लाख रुपए बताई जा रही है। बारिश सिर्फ बलरामपुर में नहीं हो रही है बल्कि बिलासपुर में भी बारिश का दौर जारी है। और सिर्फ बारिश का दौर ही जारी नहीं है बल्कि निगम की लापरवाही का भी दौर जारी है। ये तस्वीरें उसी का एक उदाहरण है।
दरअसल बिलासपुर में हुई बारिश से शहर के अधिकांश हिस्सों में पानी भर गया है। सड़कों और नालियों का पानी लोगों के घरों में घुसने लगा है। ये तस्वीरें नगर निगम की पोल खोल रही हैं, बता रही हैं कि निगम जिस करोड़ों के काम करवाने की बात करता है, वो करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी जल भराव की समस्या से छुटकारा नहीं मिल पाता है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या निगम जल भराव के लिए जो करोड़ों रुपए खर्च करता है, वो सही जगह खर्च किया भी जा रहा है या फिर कुछ और ही होता है। और अगर हो रहा है तो फिर ऐसी समस्या मानसून की पहली बारिश की शुरुआत में ही क्यों आ गई? जल भराव की समस्या निगम की कार्यशैली पर सवाल खड़े करता है। और देखना ये भी है कि निगम इस समस्या से निकलने के लिए क्या कुछ करता है। बारिश आई तो आई, लेकिन ऐसी आई कि पहली ही बारिश ने नगर पंचायत की पोल खोल कर रख दी है। दरअसल बलरामपुर में मॉनसून की बारिश की शुरुआत हो चुकी है। बरखा आई, बारिश के फव्वारों के साथ लोगों को गर्मी से राहत मिली, तो वहीं सड़कों पर परेशानियां दिखी गई हैं। बारिश के बाद सड़कों का इतना बुरा हाल है कि सड़क और नालों का पानी घरों, दुकानों और दफ्तरों में घुस गया। भारी बारिश से नेशनल हाईवे 3 नाले में तब्दील हो गया है। बलरामपुर के राजपुर नगर पंचायत की तस्वीरें नगर पंचायत की पोल खोलती हैं। देखिए कैसे एनएच पर नाले का पानी लबालब बह रहा है। इसे आसमानी आफत नहीं बल्कि नगर पंचायत की लापरवाही कहेंगे। बारिश सिर्फ बलरामपुर में नहीं हो रही है, बल्कि बिलासपुर में भी बारिश का दौर जारी है। और सिर्फ बारिश का दौर ही जारी नहीं है, बल्कि निगम की लापरवाही का भी दौर जारी है। ये तस्वीरें उसी का एक उदाहरण है। दरअसल बिलासपुर में हुई बारिश से शहर के अधिकांश हिस्सों में पानी भर गया है। सड़कों और नालियों का पानी लोगों के घरों में घुसने लगा है। ये तस्वीरें नगर निगम की पोल खोल रही हैं, बता रही हैं कि निगम जिस करोड़ों के काम करवाने की बात करता है, वो करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी जल भराव की समस्या से छुटकारा नहीं मिल पाता है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या निगम जल भराव के लिए जो करोड़ों रुपए खर्च करता है, वो सही जगह खर्च किया भी जा रहा है या फिर कुछ और ही होता है। और अगर हो रहा है तो फिर ऐसी समस्या मॉनसून की पहली बारिश की शुरुआत में ही क्यों आ गई? जल भराव की समस्या निगम की कार्यशैली पर सवाल खड़े करता है। और देखना ये भी है कि निगम इस समस्या से निकलने के लिए क्या कुछ करता है। मानसून आया तो आया, ऐसा आया कि पहली ही बारिश में नदी नाले उफान पर आ गए और इस उफान में मौत समा रही है। मामला दमोह का, जहां बारिश के चलते नाले में उफान आ गया, वहीं बाइक के साथ नाला पार कर रहे एक व्यक्ति इस उफान के आगोश में गया और उसकी मौत हो गई। दरअसल दमोह के सुदूर अंचल मरियादो के एक नाले में पानी आ जाने के चलते मरियादो वर्धा मार्ग बंद हो गया। वहीं मरियादो पंप हाउस के पास से बहकर निकलने वाले इस नाले को पार करते समय बाइक सवार युवक नाले के पानी में बह गया। रात को अंधेरे में घटी इस घटना का किसी को पता नहीं चला। खबर सुबह लगी, जब नाले का पानी उतरा तो युवक का शव और उसकी बाइक नाले में पड़ी हुई नजर आई। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अज्ञात युवक की पहचान के लिए ग्रामीणों से पूछताछ की तो पता चला कि युवक का नाम मल्थू यादव है, जो बिजली सुधारने का काम करता है। आशंका जताई जा रही है कि नाला पार करते समय पानी में बह जाने के चलते उसकी मौत हुई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी। बारिश शुरू होते ही छत्तीसगढ़ में सांपों का निकलने का दौर भी शुरू हो चुका है। कई इलाकों में सांप निकलने की घटना सामने आने लगी है। नया मामला गोड़मा से आया है, जहां गांव में एक विशाल काय अजगर निकला, तो वहीं बालको नगर के भतरा पारा में एक अहिराज सांप निकला है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं अजगर और सांप को। वहीं गांव में अजगर निकलने से लोगों में दहशत फैल गई है। हालांकि स्नेक रेस्क्यू टीम ने अजगर और सांप का रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया है।
एक तो करंट, उस पर भी 11,000 वोल्ट वाला। सोचिए करंट के हल्के से झटके से हम कांप जाते हैं। हाई टेंशन तार अगर कहीं गिर जाए तो क्या हो, जहां वो गिरेगा वो आग की चपेट में आ जाएगा। अब एक ऐसी तस्वीर कोरबा के करतला थाना क्षेत्र से आई है, जहां हाई टेंशन तार बाइक पर गिर गया। इस हादसे में बाइक के साथ युवक जल गया। हादसा इतना भयावह था कि बाइक सवार की मौत हो गई। तस्वीरों में जो आग दिख रही है ये हाई टेंशन तार गिरने के बाद आग लगने की है। वहीं बाइक सवार युवक ने कुछ देर बाद दम तोड़ दिया। हादसे की ये खबर सूरजपुर की है, जहां एक ट्रक अनियंत्रित होकर होटल में घुस गया। हादसे के समय होटल में कई लोग मौजूद थे। गनीमत ये रही कि होटल में बैठे लोग बाल बाल बच गए, तो वहीं हादसे में 3 बाइक भी क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। ये घटना सूरजपुर के विश्रामपुर के सतपता की है। तस्वीरों में देखिए ट्रक के घुसने के बाद होटल का क्या हाल है। बाहर खड़ी बाइक के परखच्चे उड़ चुके हैं। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने राहत कार्य शुरू किया। बिलासपुर के तारबहार थाना क्षेत्र में स्थित एक होटल से मारपीट की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां शराब पीने से मना करने पर होटल मालिक के साथ कुछ लोग भिड़ गए। देखते ही देखते दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि होटल मालिक से मारपीट हो गई। वहीं मारपीट के साथ होटल में तोड़फोड़ भी शुरू कर दी गई। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आप देख सकते हैं होटल में आए लोग होटल मालिक के साथ मारपीट कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में बड़ी रेल दुर्घटना हुई है। यहां के ओंडा रेलवे स्टेशन के पास 2 मालगाड़ियां आपस में टकरा गईं। टक्कर इतनी गंभीर थी कि दोनों मालगाड़ियों के इंजन ना सिर्फ पटरी से उतर गए बल्कि पलट गए। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें रेलवे ट्रैक और मालगाड़ियों को हुए भारी नुकसान को देखा जा सकता है। इस घटना के बाद खड़गपुर बांकुरा आंध्रा रेल लाइन को बंद कर दिया गया। हादसे में 8 डिब्बे पटरी से उतर गए। मालगाड़ी के ड्राइवर घायल हो गया। दुर्घटना के बाद कई ट्रेनें प्रभावित हुईं। हादसे के बाद ADRA डिवीजन में पश्चिम बंगाल के 4 जिले पश्चिम मिदनापुर, बांकुरा, पुरुलिया, बर्दवान और झारखंड के 3 जिले धनबाद, बोकारो और सिंहभूम की ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस की जापानी गुड़िया अब जर्मनी की सैर करेगी। जल्द ही बनारस की जापानी गुड़िया जर्मनी के लोगों के घरों की खूबसूरती बढ़ाएगी। इसके लिए 1000 पीस के ऑर्डर वाराणसी के शिल्पकारों के पास आए हैं, जिसे तैयार करने का काम जारी है। वैसे तो जापानी गुड़िया कभी जापान में तैयार हुआ करती थी, लेकिन करीब 250 साल से अधिक समय से काशी के शिल्पकार इसे तैयार कर रहे हैं। जापानी गुड़िया के एक सेट में 5 पीस की गुड़िया होती है, जिनकी लंबाई व चौड़ाई डिजाइन अलग अलग होती है। इसे बेहद बारीकी से सजाया और रंगा जाता है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस की काष्ठ कला का प्रोत्साहन करते हैं। बीते दिनों G20 में काष्ठ कला का प्रदर्शन किया गया, जिससे इस कला को और भी अधिक पसंद किया जा रहा है। इसका परिणाम है कि वाराणसी की इस खास जापानी गुड़िया को जर्मनी के लोग काफी पसंद कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इस जापानी गुड़िया को लोग बल्क ऑर्डर देकर मंगा भी रहे हैं। जीवन के 36 बसंत देख चुके फुटबॉल की दुनिया में मशहूर और अर्जेंटीना स्टार लियोनेल मेसी का जन्मदिन दुनिया भर में उनके प्रशंसकों ने मनाया। मेसी के प्रशंसकों ने अपने फेवरेट फुटबॉलर को बर्थडे विश करने के लिए इंतजार नहीं किया और इंटरनेट पर मेसी की फोटो शेयर कर इस खास मौके पर उनके नाम बधाई संदेश लिख दिए। वहीं कोलकाता में अर्जेंटीना फुटबॉल फैन क्लब ने अपने तरीके से उनका जन्मदिन मनाया। उन्होंने 4 फीट लंबा बड़ा केक काटा और केक भी फुटबॉल मैदान के रूप में। फैंस के मुताबिक इस केक को बनाने में 2 दिन का समय लग गया। मेसी के फैंस का कहना है कि वे साल 2006 से उनका जन्मदिन मनाते आ रहे हैं। मेसी अपने करियर में 800 से ज्यादा गोल, 7 बार बैलोन डी और अवार्ड, 6 यूरोपियन गोल्डन शू अवार्ड समेत कई उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। आपको बता दें कि मेसी के लिए फुटबॉलर बनने का सपना इतना आसान नहीं था।
दुनिया भर में अपनी जादूगरी से राज कर रहे मेसी जब 11 साल के थे तो उनको ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी की बीमारी ने जकड़ लिया था। इस बीमारी के चलते बच्चे का शारीरिक विकास रुक जाता है। महज 12 साल की उम्र में मेसी के शरीर में रोज इंजेक्शन लगाए जाते थे। 13 साल की उम्र में मेसी स्पेन आ गए थे और उन्होंने फुटबॉल क्लब बार्सिलोना का हाथ थाम लिया। बार्सिलोना में जुड़ने के बाद मेसी ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा।